अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि सब खैरियत आफियत से होंगे। आज एक और फ्रेग्रेंस आप दोस्तों के लिए लाया हूँ और वो है अल्दीन अरबियन नाइट। इस पर आज इंशाल्लाह बात करेंगे। इससे पहले कुछ बातें हैं यहाँ पे पिशावर के जो कस्टमर से दोस्त भाई हैं उसके लिए। एक तो अवकाती बिजनेस जो है, टाइमिंग ऑफ द बिजनेस, उस पर बात करते हैं। हमारी जो टाइमिंग है वो 8 AM से लेकर 9 PM तक है, सुबह 8 से 9 PM तक। हम तीन बंदे हैं यहाँ पे, आफ्ताब हैं, अब्बास हैं और मैं, तो ज़रूर कोई ना इन तीनों में एक ज़रूर यहाँ पे मौजूद होता है। इसीलिए संडे को भी हम होते हैं इसमें शॉप में, सामने घर भी है। और दूसरी बात, अक्सर दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं कि हम आए हैं यहाँ पे शॉप बंद होती है, तो उसकी वजह यह है कि नमाज के अवकात में हम नमाज के अवकात में जो शॉप बिजनेस एक्टिविटीज मुकम्मल बंद करते हैं। मैं अपना मोबाइल एयरप्लेन मोड पर लाता हूँ, उसके बाद तकरीबन 20 to 25 minutes हमारी शॉप्स की जो एक्टिविटीज़ है वो बंद होती हैं, क्योंकि ये कुछ ख़ास टाइम है, इसमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए हम को भी और जितने भी मुसलमान भाई हैं उसको भी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद बिजनेस, दुनिया में सिर्फ बिजनेस नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ भी मुतवज्जो होना चाहिए। बिजनेस भी अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो तो ये भी इबादत हैं। उसूल रिज़क जो है, रिज़क की हुसूल, और वो भी हलाल तरीके से, तो ये भी एक इबादत है। तो यही अवकात हैं हमारे। इसके बाद जो है फ्रेगरेंस की तरफ आते हैं। ये अल्दीन अरबियन नाइट जो है, ये फ्रेश रोज यानी फ्लोरल, अंबरी, वुडी फ्रेगरेंस हैं। ये इन तीन चीज़ों की मिक्सर है। इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स में पिचोली वगैरह और मालिक्यूल यानी ऐसो ही सुपर की भी एक कुछ ख़ास मकदार, ख़ास बहुत चंद कतरे इसमें डाली गई हैं इस खुशबू में। खुशबू जो है इसकी, जब आप फर्स्ट स्निफ करेंगे इसको, ये मैंने स्ट्रिप पे लगाई हैं, तो आपको स्ट्रांग रोज प्लस अंबर की स्ट्रांग खुशबू आपको महसूस होगी जब आप इसको फर्स्ट स्निफ करेंगे, अंबर प्लस रोज। लेकिन उसकी एक अजीब किस्म की खुशबू है, बेहतरीन खुशबू है। हम इसको पुश्तों में कहते हैं पजलपूरी खुशबूदार, हम इसको पुश्तों में कहते हैं। तो बहुत बेहतरीन खुशबू है, अंबर प्लस रोज, फ्रेश रोज और वुडी। और वुडी नॉट जस्ट लाइक ड्राई वुड, लाइक इन द कारपेंटर शॉप, ड्राई वुड की खुशबू नहीं है कारपेंटर शॉप में जो होती हैं, बल्कि ये विट वुड जो पानी जिस पर डाली जाती हैं उसके बाद उस पर जो खुशबू आती है वुड से, इसकी टच है इसमें, लेकिन वो भी बेहतरीन। जो लोग वुड की खुशबू की शौकीन हैं तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ है, ये बेहतरीन खुशबू है वुडी। मुझे तो ख़ुद बहुत पसंद है, हर इंसान की अपनी चॉइस होती हैं। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ, अक्सर लोग पूछते हैं कि ये इसकी खुशबू कैसी है, मुख्तलिफ फ्रेगरेंसेस के बारे में लोग पूछते हैं मुझसे कस्टमर, तो ये वीडियोस उनके उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों को वुडी, रोजी, रोज और अंबरी टाइप की टच पसंद हो, जिस तरह अमीरुल ऊद, ऊद शगफ और मुखलती मलकी, ये भी उस टाइप की खुशबू है। लेकिन इसकी अलहदा, इसमें अलहदा अंबर और रोज़ की एक अजीब किस्म की टच है। इसमें इसमें पिचोली भी हैं, इसमें मस्क भी हैं, इसमें थोड़ा बहुत जब आप टॉप पे लगाएंगे थोड़ा बहुत उसमें मस्क की टच आपको महसूस होगी, और फिर वो इसकी बैकग्राउंड में होता है आखिर तक इसकी ये मस्क की टोन जो है वो आपको महसूस होगी। अरबियन, और ये भी अल्दीन अरबियन नाइट की जो फ्रेगरेंस है, बहुत बेहतरीन खुशबू है, मुझे ख़ुद पसंद है, मैं लगाता हूँ। मस्जिद में आप जाएंगे, नमाज के लिए जाएंगे, उस वक्त भी आप कोई इसमें, मैंने तकरीबन इस हाथ पे, ये लॉन्जिविटी पे बात करते हैं, मैंने इस यहाँ पे लगाई थी ये, क्योंकि यहाँ पे बोकरम होता है तो यहाँ पे स्टे करती है। आप इस तरह बोकरम की जगह पर लगा सकते हैं, ये यहाँ पे ये जगह जो है इस तरह, यहाँ पे मैंने लगाई थी 5:45 पे कल, और
स्ट्रिप पर अभी तक इसकी खुशबू है तकरीबन 48 आवर्स से ज्यादा हुए हैं और यहाँ पे भी खुशबू है। स्किन पर तकरीबन 6-7-8 घंटे तक इसकी खुशबू मैंने खुद चीक की है स्किन पे, और वजू के बाद भी उसको खुशबू आ रही थी मुझे। तो ये तो उसकी खुशबू के बारे में, उसकी प्रोजेक्शन भी ठीक है, तकरीबन 2 फीट तक, 2-3 फीट तक जो है इसकी प्रोजेक्शन है। ओवरऑल जो है ये वुडी अंबरी स्वीट फ्रेग्रेंस है, जेंट्स लेडीज दोनों के लिए हैं, जेंट्स भी यूज कर सकते हैं, लेडीज भी यूज कर सकते हैं। और लेकिन जो लोग ऊद यूज नहीं कर सकते, ऊद फॉर एग्जांपल फ्रेंच टच वाले फ्रेग्रेंसेस जो लोग पसंद करते हैं, तो वो भी इसको चेक करें। यहाँ पे अगर नज़दीक है तो यहाँ पे आके यहाँ पे इसकी खुशबू लगा कर चेक कर ले, शायद पसंद आ जाए आपको, क्योंकि ये ऊद वो ऊद नहीं है जो कंबोडियन या उदुल हिंद कड़वा टच नहीं है इसमें, ये स्वीट टाइप की वुडी फ्रेग्रेंस है, ऊद नहीं वुडी टाइप की खुशबू है, लकड़ी की जो फ्रेग्रेंस है और उसके ऊपर अंबर हो, रोज हो पड़ी हो उसके ऊपर, तो ये उसी तरह खुशबू है, यानी वुडी के साथ स्वीट अंबरी फ्लोरल रोज की, फ्रेश रोज की जो फ्रेग्रेंस है उस तरह की फ्रेग्रेंस है इसकी। स्पेसिफिकली ये खुशबू जो है आप विंटर में इसकी खुशबू की अपनी एक मज़ा होता है, इस सीज़न में ये सीज़न बेहतरीन है इसके लिए, गर्मियों भी ये आप लगा सकते हैं। स्पेसिफिकली ये जिस तरह मुखल्लती मलकी के बारे में जब मैंने एक वीडियो बनाई तो उसमें मैंने कहा था कि ये मक्का और मदीना वहाँ पे जिस तरह की खुशबू होती है मसाजिद में जाने के लिए जब इस तरह की, तो ये इसमें भी उसी तरह की टच है, बेहतरीन स्वीट टाइप की खुशबू है। आप जब नमाज के लिए जाते हैं, जुम्मे के दिन जाते हैं, एक बात है कि आप ये भूख, जब आपको भूख लगी हो इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने कल लगाई थी और उसकी वजह से मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो ये बात एक हद तक ठीक भी है, क्योंकि एरोमाथेरेपी जो है एक इलाज भी इससे की जाती है, मैंने नेट पे सर्च की हुई, आप भी सर्च कर सकते हैं, मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ इलाज के लिए अपना एक अरोमा होता है, इस तरह की ऑयल्स होते हैं, सर दर्द के लिए अपना, ब्लड प्रेशर के लिए अपना एक, ये मुख्तलिफ आप इलाज के लिए भी ये यूज़ की जाती है। तवे लिखी थी अच्छा, जब आफ्ताब कह रहे हैं कि लकड़ी पर जब बारिश हो जाए इससे जो खुशबू आती है उसकी खुशबू उसको इससे महसूस होती है, लेकिन वो खुशबू उसमें देखिए खुगवा लेते हैं, लेकिन इस खुशबू में ये है कि इसमें स्वीटनेस भी है और वो अंबर की और रोज़ की स्वीटनेस भी है इसमें, तो उसकी वजह से ये एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। ये थी आज की वीडियो, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।